गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 5 साइंस चैप्टर 2 एनिमल्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट नंबर इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्प्रे अ लिक्विड ऑन इट्स एनेमी। नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, वो चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपने एनिमी पर लिक्विड स्प्रे करता है। ए है स्कॉर्पियन, बी है स्कंक, सी है ईल और डी है सी स्लज। द राइट आंसर इज हियर स्कंक। सेकंड नंबर की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स प्लेस डेड इफ इट सीम्स नो एस्केप। वैसे एनिमल जिनको भागने का कोई रास्ता नहीं होता है वो खुद को मरा हुआ दिखाते हैं। ये चार ऑप्शन में से ऐसा काम कौन सा एनिमल के द्वारा किया जाता है। ए आर्कटिक फॉक्स, बी हॉग्नोस स्नेक, सी आर्मेडिलो एंड डी माउंटेन गोट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हॉग्नोस स्नेक। थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यूज कैमोफ्लेज टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। चार ऑप्शन में से कैमोफ्लेज यूज़ कौन से एनिमल नहीं करते हैं खुद को बचाने के लिए। कैमोफ्लेज मतलब यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, हमने डिस्कस भी किया था इसे क्लासरूम में, अपने खुद को सराउंडिंग में इतना मिक्सअप कर लेना अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए कलर या फिर शेप के अकॉर्डिंग। ए में है जेब्रा, बी में कैमेलिन, सी में पफर फिश और डी में आर्कटिक फॉक्स। एक यहाँ पे पफर फिश को छोड़कर बाकी तीन जो हैं वो सारे कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन एक पफर फिश है जो मिमिक्री करता है। हमने इसे मिमिक्री के एग्जांपल में देखा था इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पफर फिश। फोर्थ नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हाइबरनेट्स। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें चिपमंक, लंग फिश, क्रैब और सैल्मन हैं। इनमें से चार में से कौन से ऐसे एनिमल हैं जो हाइबरनेट करते हैं। चिपमंक राइट आंसर होगा चिपमंक। हाइबरनेट का मतलब आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, हाइबरनेट मीन्स होता है विंटर स्लीप। ठंड के दिनों में ये कम एनर्जी और कम भोजन में ही सर्वाइव कर लेते हैं और इनएक्टिव बने रहते हैं या फिर लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, ऐसा चिपमंक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज इंडेंजर्ड। कौन सा ये जो एनिमल्स नीचे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। स्क्वायरल, लोकस्ट, आर्कटिक टर्न। यहाँ पे लोकस्ट और आर्कटिक टर्न जो है वो माइग्रेटरी इंसेक्ट्स हैं, आर्कटिक टर्न माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। स्क्वायरल जो है इसके साथ ऐसी कोई बात नहीं है, हम आज भी स्क्वायरल देखते हैं। लेकिन चीरू एक ऐसा एनिमल है जो हम सैथूस के फाइबर प्राप्त करते हैं उससे, और ये सैथूस के फाइबर से क्या होता है एक्सपेंसिव शॉल बनाया जाता है। तो ये सैथूस के फाइबर प्राप्त करने के लिए हमें चीरू को मारना पड़ता है, इस वजह से इनकी जो स्पेसीज है ये काफ़ी खतरे में पड़ चुकी है, आने वाले टाइम में ये हमें दिखाई नहीं देगी। अब हम इसका राइट आंसर हो गया चीरू। बी, अब हम बी की ओर बढ़ते हैं। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स वंस। फर्स्ट है प्रीडेटर्स आर जनरली लार्जर देन देयर प्रे। प्रीडेटर जो हैं जनरली प्रे से बड़े होते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू इसका स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड नंबर है ए हॉक मोथ कैटरपिलर डिफेंड्स इट्सेल्फ बाय मिमिकिंग अ सी स्लज। हॉक मोथ कैटरपिलर जो है खुद को बचाने के लिए सी स्लज की तरह एक्ट करते हैं, ये गलत है। हॉक मोथ कैटरपिलर जो है वाइपर स्नेक की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर है ए कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर टू मर्ज विथ इट्स सराउंडिंग। कैमेलियन जो है खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। अगर वो ग्रीन प्लांट या ग्रीन ग्रास पे हैं तो ग्रीन दिखते हैं, और अगर वो लैंड पे हैं तो लैंड के कलर में मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट थर्ड नंबर भी ट्रू होगा।
फोर्थ है सेथूस इज ऑब्टेंड फ्रॉम द माउंटेन गोट. सेथूस माउंटेन गोट से प्राप्त किया जाता है, गलत है, माउंटेन गोट से नहीं प्राप्त किया जाता है, ये तिब्बतियन एंटीलोप यानी कि चीरू से प्राप्त किया जाता है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा फोर्थ नंबर. फिफ्थ नंबर है इन इंडिया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 में लॉन्च किया गया था. अब हम बढ़ते हैं सी नंबर की ओर. आंसर इन वन और टू वर्ड्स ओनली. विच एनिमल सेंसिंग अ डेंजर कर्ल्स अप इट्स बॉडी इन टू ए बॉल. यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्माडिलो. सेकेंड नंबर है नेम द एनिमल्स विच मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन. कौन सा एनिमल है जो सबसे लंबी दूरी तय करता है माइग्रेशन के दौरान. ये हो जाएगा आपका आर्कटिक टर्न्स. ये एक ऐसा बर्ड है जो 35,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं वन ईयर में. 3rd नंबर व्हाट डू वी कॉल अ लॉन्ग समर स्लीप. हम लॉन्ग समर स्लीप को क्या कह सकते हैं, एस्टिवेशन. 4th नंबर है नेम द डियर फेमस फॉर इट्स फ्रेग्रेंस. ऐसे डियर का नाम बताना है जो अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है. मस्क डियर इसका राइट आंसर होगा. मस्क कशुरी हिरन जो होता है वो उसके नेवल में, मस्क डियर के नेवल में कशुरी पाई जाती है. ये कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव और खुशबूदार होती है. इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मस्क डियर को उनका शिकार करते हैं. 5th नंबर है नेम द सेंचुरी इन असम फेमस फॉर राइनोसिरोस. असम में पाई जाने वाली सेंचुरी जो राइनोसिरोस के लिए फेमस है उसका क्या नाम है, आपको नाम बताना है. काजीरंगा सेंचुरी, ये वन हॉर्न राइनोसिरोस के लिए फेमस है. अब हम बढ़ते हैं डी की ओर. आंसर इन वन सेंटेंस ओनली. व्हाई डू पेंगुइन्स हंट फॉर फिश इन पैक्स. पेंगुइन जो है वो फिश को पैक बनाकर क्यों हंट करती है. इफ ए प्रीडेटर सच एज वालरस decides to feed on penguins, most of them will survive because walrus will be able to eat only one or two. Thus, penguin hunt for fish in packs. क्या होता है यहाँ पे, predator जो है वो walrus जो है वो penguin का predator है, यानी वो penguin को खाता है खुद को जीवित रखने के लिए. तो ये वॉलरस जो है एक बार में एक से दो पेंगुइन को ही खा सकता है. तो इस तरह से क्या होता है, बाकी सारे पेंगुइन बच जाते हैं और इस तरह से वो झुंड बनाकर चलते हैं, पैक में रहते हैं और वो भी जो अपना शिकार करते हैं मछलियों का एक साथ एक झुंड में चलते हैं. अगर वो सिंगल सिंगल करें तो इस तरह से सारे पेंगुइन्स क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो झुंड बनाकर चलने से खुद को बचा पाते हैं. सेकेंड नंबर है व्हाई डज द वाइसराय बटरफ्लाई मिमिक द मोनरेक बटरफ्लाई. इसका आंसर है बिकॉज मोनरेक बटरफ्लाई इज बिटर इन टेस्ट एज कंपेयर टू वाइसराय बटरफ्लाई, दस इट मिमिक एज मोनरेक बटरफ्लाई. ठीक है, ये क्या होता है, मोनरेक बटरफ्लाई जो है वो टेस्ट में कड़वा होता है किसकी तुलना में, वाइसराय बटरफ्लाई की तुलना में, और वाइसराय बटरफ्लाई जो है टेस्टी होता है. तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, मोनरेक बटरफ्लाई की तरह एक्ट करता है. 3rd नंबर है व्हाई आर लोकस्ट हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट्स. इसका आंसर है बिकॉज लोकस्ट सेटल ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय देम, सो they are harmful migratory insects. 4th number hai why do some animals hibernate. some animals hibernate to save energy and survive in winter without eating much. kuch animal jo hote hain wo hibernate karte hain apni energy ko bachane ke liye aur thand ke dino mein jeevit rehne ke liye bina zyada khaye. 5th नंबर है व्हाट इज़ यूनिक अबाउट गिर नेशनल पार्क. गिर नेशनल पार्क के बारे में अनोखी बात क्या है.
गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ द ओनली एग्जिस्टिंग हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायन इन इंडिया। क्या है, पूरे इंडिया में एशियाटिक लायन के लिए गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है फेमस है। यहाँ पे पूरे इंडिया में एशियाटिक लायन जो हैं उनके लिए गिर नेशनल पार्क में ही उचित रहने की व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं ई नंबर, आंसर इन फ्यू सेंटेंस इच। फर्स्ट है, हाउ डज अ फ्रिल्ड लिजार्ड ब्लफ इट्स इनेमी। आंसर है इसका, ए फ्रिल्ड लिजार्ड हैज अ लार्ज थिन फ्रिल अराउंड इट्स नेक टू फ्राइटन इट्स इनेमीज। इट अनफॉल्स द फ्रिल एंड हिसेस लाउडली। ये फ्रिल लिजार्ड जो है इनकी गर्दन पे फ्रिल पाया जाता है और ये क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को डरा देते हैं उसे फैलाकर और उसके बाद फुफकारने की आवाज़ निकालते हैं ज़ोर ज़ोर से, जिससे क्या होते हैं इनके शत्रु डर जाते हैं। व्हाट इज कैमोफ्लेज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। इसका आंसर है, कलरिंग और अदर अपीयरेंस दैट इनेबल्स एन एनिमल टू ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। मतलब कलर और दिखने में एक जैसे होने की वजह से ये अपने क्या करते हैं, खुद को सराउंडिंग में ढाल लेते हैं, सराउंडिंग के ही कलर के हो जाते हैं या सराउंडिंग का शेप ले लेते हैं। किस लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनेमीज से। और इसका एग्जाम्पल क्या है, द ब्लू कलर ऑफ द वेल लिविंग इन द सी। समुद्र का कलर भी ब्लू होता है और ब्लू वेल जो होती है वो भी ब्लू कलर की होती है, तो वो बिल्कुल समुद्र में मिक्सअप हो जाती है और इस तरह से वो बच जाती है। थर्ड नंबर है, एक्सप्लेन द माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ सालमन्स। आंसर है इसका, माइग्रेटरी फिशेस लाइक सालमन आर बॉर्न इन रिवर्स और स्ट्रीम्स। यंग सालमन्स देन ड्रिफ्ट स्लोली टू द सी, देयर दे लीव फॉर अबाउट 6 years, then adult salmons again migrate to the river where they were born to lay eggs. इसमें क्या होता है, माइग्रेटरी फिश में सालमन जो है वो नदी वगैरह में जन्म लेते हैं और फिर जब कुछ बड़े हो जाते हैं, वो यंग हो जाते हैं, तो वो समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र में 6 साल रहने के बाद वो वापस नदी में आते हैं और क्या करते हैं, वो बॉर्न टू ले एग, अंडे वगैरह देने के लिए वो वापस से फिर नदी में आ जाते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था। फोर्थ नंबर है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। इसका आंसर है, पासिंग द विंटर इन स्लीपिंग और इनएक्टिव कंडीशन बाय सम एनिमल्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ठंड के दिनों में सो जाना किसी कुछ एनिमल के द्वारा, ठंड के दिनों में सो जाना या इनएक्टिव हो जाना क्या कहलाता है, हाइबरनेशन कहलाता है। व्हाइल पासिंग द समर इन अ स्लीपिंग और इनएक्टिव कंडीशन बाय सम एनिमल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। जबकि दूसरी ओर गर्मी के दिनों में किसी जानवर के द्वारा सो जाना या इनएक्टिव हो जाना क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। फिफ्थ नंबर है, व्हाट डू यू नो अबाउट द IRV 2020। इसका आंसर है, IRV 2020 इज ए प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइनोसेरोस विच हैव बीन हंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरोस टू 3000 बाय द ईयर 2020। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है जिसमें राइनोसेरोस को बचाने का प्रयास किया गया है और इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, वन हॉर्न राइनोसेरोस को 3000 की संख्या में 3000 की संख्या में सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज के साथ। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग भी इसे कंप्लीट कर लेंगे।
सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।